दोस्तों अब हम बात करेंगे एंड्रॉयड कार है जो कि चाइनीज़ लोकल मेड जो CV920H U42 के बारे में। ये जो सॉफ्टवेयर हमें आमतौर पे मिल रहा है, आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद उसमें लैंग्वेज है जो ये अरेबिक में दिखाती है, अरबी लैंग्वेज दिखाती है, तो उसको कैसे चेंज करना है क्योंकि हम मेन सेटिंग के अंदर ढूंढते हैं लैंग्वेज ऑप्शन है जो, तो लैंग्वेज ऑप्शन कहाँ है मैं इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप शुरू से देखिए इसको, मैजिक वाला जो ये सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है, ये बूट अप होने के बाद आप देखोगे अरेबिक लैंग्वेज है, शायद अरब कंट्री की कोई लैंग्वेज है क्योंकि अरेबिक मुझे पता नहीं है तो मैं नहीं बता सकता अरेबिक है या क्या है मतलब। ये आप देख रहे हो, जब हम मेन मेनू भी ओपन करते हैं तो ये अरेबिक भाषा में जो ये दिखाता है, शो करता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेटिंग के अंदर ढूंढते हैं, मेन सेटिंग के अंदर, मेन सेटिंग के अंदर नहीं जाना है आपने, आपको जो ये सेटिंग दी गई है इसके अंदर जाना है। ये सेटिंग आप ओपन करोगे, आपको जो ये बुक और पेंसिल बनी हुई है ये वाला ऑप्शन आपको ओपन करना है। जो पहला ऑप्शन आपको वो पेज ओपन करने के बाद आएगा उसमें आपको लैंग्वेज की सिलेक्शन है, जैसे अभी मुझे इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश पे मैंने इसको ओके किया है। ठीक है, ये मेरा जो ऑप्शन है, मेरी लैंग्वेज है जो इंग्लिश के अंदर चेंज हो गई है। तो दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए आप मेरा जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हम लोग एक अच्छी जानकारी लेके आते हैं जो जो कि आपके लिए थोड़ी सी फायदेमंद होगी, थोड़ी सी क्या ज़्यादा फायदेमंद हो ये सोचते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।